अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक में मैं हूँ अशाम। कल की मार्केट को देखें तो कल मार्केट ने अगेन स्लाइट लेवल्स के ऊपर पॉजिटिविटी दिखाना शुरू की है, और उसकी मेन वजह, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो ये रही कि IMF की तरफ से जो एक अग्रीमेंट्स हो गई हैं और एक फाइनलाइजेशन प्रोसेस मिला है, उसकी वजह से लोकल्स भी प्लस स्पेशली फॉरेनर्स काफ़ी जो है वो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और फॉरेनर्स की अब तक तकरीबन $16 बिलियन तक की मार्केट के अंदर बाइंग हो चुकी है। जो मेन सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट की पॉजिटिविटी को, जैसे कल हमने मार्केट में देखा, वो हैं बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट्स। न्यूज साइट पे देखें तो पाकिस्तान IMF से एक बेल आउट पैकेज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तकरीबन $6 to $8 बिलियन की, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की माशी हालत है उसमें कुछ हद तक बेहतरी आ सकती है, और डेट की जो पोजीशन है पाकिस्तान की करेंटली स्टैंड कर रही है उसके अंदर कुछ हद तक हम बेहतरी देख सकते हैं। एक नेगेटिव साइड पे न्यूज़ देखें तो US की तरफ से एक रिजेंटमेंट शो हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ईरान गैस पाइपलाइन, और उसकी वजह से जो मार्केट सेंटिमेंट है वो टूटते हुए देख सकता है। रीज़न बीइंग कि US की सपोर्ट, जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो सैंक्शन अगर लग जाता है, एक तो गैस में भी रुकावट आएगी, प्लस इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। लास्टली पॉजिटिव साइड पे देखें तो PIE की प्राइवेटाइजेशन, जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रही है, वो अब अपने फाइनल मरहलों की तरफ पहुंच चुकी है, और एक 11 मेंबर कमिटी इसके लिए तजवीज़ दी गई है जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ेगी। मार्केट को आज देखें तो मार्केट जैसे कुछ पिछले सेशन से चलती रही है, स्लाइड पॉजिटिव लेवल्स पर ही लग रही है, और इसकी मेन वजह यही रहेगी कि IMF की तरफ से जो अपकमिंग ट्रांच मिल रहे हैं $1.1 बिलियन का, जिसकी वजह से लोन रीपेमेंट हमारी हो सकेगी सही तरीके से, उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहेगा। प्लस जो हाईलाइटेड सेक्टर्स हैं जिसमें बैंकिंग है, फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट्स हैं, यही एक पॉजिटिव ग्रोथ मार्केट को दिखाएंगे। थैंक यू।